हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्की के आटे का कोथमीर पराठा। उसके लिए जो हमें सामग्री लगेगी, कोथमीर हरा धनिया है, इसे महाराष्ट्र में कोथमीर बोलते हैं, हम हरा धनिया भी बोल सकते हैं। तो हम कोथमीर और मक्की के पराठे बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो हमें सामग्री लगेगी वो है, हमने 3/4 प्याला मक्की का आटा लिया है, 1 प्याला धनिया बारीक काट के और धो कर के हमने साफ़ कर लिया है, नमक 1 चम्मच स्वादानुसार, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच लाल मिर्ची और 4-5 हरी मिर्ची हैं जिन्हें हमने एकदम बारीक काट लिया है आटे में गूंदने के लिए। और मक्खन पराठे बनाने के लिए हम मक्खन से भी बना सकते हैं, घी से भी बना सकते हैं और तिल के तेल में भी बना सकते हैं। मक्की के पराठे तिल के तेल में भी बहुत अच्छे बनेंगे। हम सबसे पहले अब आटा गूंदेंगे। मक्की का आटा हम परात में निकाल लेंगे। धनिया, हींग, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची व नमक डाल करके अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदेंगे। मक्की का पराठे के लिए हमारा आटा गूंद करके तैयार है। और आधा प्याला पानी लगा आटा गूंदने में, ना हमने इसे ज़्यादा नरम किया है और ना ज़्यादा कड़क है, नॉर्मल आटा रखते हैं हम। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढक कर के रखें। मक्का बाजरा के तुरंत ही पराठे या रोटी जो भी बनानी होती है वो हम तुरंत ही बनाते हैं। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। मक्की के छोटे छोटे छोटी लोई लेंगे हम हाथ में, जितने मोटे हमें बनाने हैं उसी हिसाब से हम लोई बनाएंगे। हमने ये 2 लोई बनाई हैं और अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा बेलेंगे। पहले मक्की का आटा लगा लेंगे थोड़ा, दूसरा भी बेलेंगे, हाथ से भी बढ़ा सकते हैं हम इस तरह से। और अब हम इस पे थोड़ा मक्खन लगाएंगे और जो हमने दूसरा लोया बनाया था वो हम इसमें रख करके और इसे चारों तरफ से दबा लेंगे। थोड़ा आटा लगा करके अच्छे से चारों तरफ से दबा लेंगे। हल्के हाथ से बेलेंगे। हमारा पराठा बिल्कुल के तैयार है और हमारे तवा भी गर्म हो गया। अब हम इसे तवे में डालेंगे। तवे में डाल करके और हम चारों तरफ थोड़ा मक्खन डालेंगे। इसे हम स्प्रे चूल्हा की सहायता से पलट देंगे और इस साइड भी हम थोड़ा मक्खन लगा देंगे। गैस को हम धीमी कर लेंगे, धीमी आंच में इसे धीरे धीरे सिकने देंगे। ये सिकता है तब तक हम दूसरा पराठा बनाते हैं। हम इन्हें हाथ से भी बना सकते हैं धीरे धीरे बढ़ा करके। पहले हमने थोड़ा बड़ा किया हाथ से आटा लगा करके, फिर हम इस पे थोड़ा मक्खन लगाएंगे और दूसरा लोया इस पे रखेंगे अच्छे से दबाकर। थोड़ा आटा लेकर के लगा कर और हम इसे इस तरह से हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे दोनों हाथों का दबाव देते हुए घुमाते हुए हम इसे हाथ से भी बढ़ा सकते हैं। और बेलने में भी, जैसे मान लो मक्की का आटा है, दिक्कत होती है तो हम इसमें आधा कटोरी गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं, तो उससे
मक्की के या बाजरे का जो भी आटा होता है उसमें हम एक कटोरी गेहूं का आटा मिला लेते हैं तो उसे बेलने में आसानी रहती है। ये हमारा हाथ से भी बन गया, तो ये हमारा पराठा। अब हम थोड़ी गैस दोबारा तेज करेंगे थोड़ी, और अच्छे से दोनों तरफ बार बार मक्खन लगाते हुए और इसे अच्छे से सेक लेंगे। दोबारा हम इस पर थोड़ा मक्खन लगाएंगे। ये हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा पराठा ला लेंगे। हमारी मक्की का पराठा, मक्की धनिया का पराठा बनकर के तैयार है। आप इसे सरसों के साग के साथ खाइए। मक्खन घी ऊपर से रख कर के, गुड़, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत डिलीशियस बने हैं। आप ये ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ मेरे चैनल पर शेयर कीजिए। सर्दियों में ही ये ज़्यादा खाए जाते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।